हेलो माइनक्राफ्ट लवर, स्वागत है तुम लोगों का एक और बार टॉक्सिक ओशन हार्डकोर 100 डेज चैलेंज पे। और भाई मुझे कमेंट आ रहा है एस्ट्रो ब्लॉक के ऊपर बनाने की। देखो भाई, एस्ट्रो ब्लॉक बहुत बड़ा मैप है एंड उसे रिक्रिएट करने की यानी कि अपडेट करने की तो उसके लिए भाई 200 लाइक्स चाहिए। और अगर उसे पूरा करना चाहते तो नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए। और हाँ, इस सीरीज को मैं खेल रहा हूँ उसके साथ साथ इस मॉड पैक को मैं अपडेट भी कर रहा हूँ, तो सीरीज को थोड़ा सपोर्ट बनाओ। ओके, तो यहाँ के सारे मशीन्स को तोड़ने के लिए अपने को ये गियर बॉक्स बनाना है, फिर इसे हाथ से तोड़ना है एंड देन इससे तुम किसी भी मशीन को तोड़ सकते हो। ओके, गियर हट गया, इसको मैं बाद में फिक्स कर दूंगा एंड इसी के साथ साथ मैंने साइड को भी अपडेट कर दिया है। ओके, तो पहले तो भाई एक और चीज़ भाई, यहाँ पे अगर गलती से भी पानी में जाओगे तो भाई तुम्हें उधर इफेक्ट मिलेगा। वैसे पॉइजन से डैमेज नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने इसे उधर इफेक्ट पे सेट कर दिया है। ओके, तो ऐसे मैं चारकोल से मैं कोल ब्लॉक बना सकता हूँ और इससे मैं यहाँ पे भाई डर्ट की मदद से रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकता हूँ। और डर्ट कैसे लेना ये मैंने पिछले एपिसोड पे दिखा दिया है, तो आप जाके ज़रूर चेक करना सारे एपिसोड। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और राइट, तो सारे रिसोर्सेज मेरे पास आ चुका है, तो अब मैं बनाने वाला हूँ एक जनरेटर। तो ये आ गया लावा जनरेटर, तो इसके लिए भाई एक सोर्स चाहिए जो कि है कबल स्टोन, इसके ऊपर रखना है एंड लावा जनरेट हो जाएगा। एंड डोंट वरी, ये स्प्रेड नहीं होने वाला। इसे लेने के लिए अपने को बकेट चाहिए और बकेट भाई लेने के लिए अपने को आयरन चाहिए और आयरन लेने के लिए न्यू साइप चाहिए, तो मैं अपनी साइप को अपडेट करने वाला हूँ। ओके, तो ये हो गया अपडेटेड साइप। तो इसका नाम तो मैं अजीब दिख रहा होगा क्योंकि ये अभी भी डेवलपिंग प्रोसेस पे है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा साइप आ चुका है और ये पहला वाला था। ओके, तो इसके लिए अपने को ग्रैबल चाहिए और ग्रैबल अपने को फिशिंग से मिलेगा, तो पहले भाई अपने को ग्रैबल कलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी मैं ऑटोमेटिक कर सकता हूँ, तो पहले भाई अपने को कुछ मैनुअली करना पड़ेगा। और हाँ, ये वाले टेक्सचर को थोड़ा इग्नोर मारना है, इसको मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। जब मैंने बनाया था मैंने डर्ट पे सेट किया था। और राइट गाइस, तो इसको मैं बाद में फिक्स करूंगा, अभी के वीडियो पे नहीं। खैर चलो, तो अभी दिखाता हूं भाई, इससे मैं अगर ग्रैबल से करूँ तो भाई मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं एक ही बार में। हो एंड इसको ओके, तो यहाँ से मुझे लैपिस मिल रहा है, ये आ गया रेडस्टोन ब्लॉक और ये आ गया कबलस्टोन जनरेटर। एक्चुअली ये क्रासर है, इसका नाम मैंने कबलस्टोन जनरेटर गलती से मैंने लगा दिया था क्योंकि भाई हम लोग लावा के मदद से भी तो कबलस्टोन जनरेटर बना रहे हैं, तो इसको बनाना भाई बेकार होगा, तो मैं इसे क्रासर पे सेट करूँगा। और इसका भाई सिस्टम अलग है, देखो इसके ऊपर अगर मैं कबलस्टोन रखूँगा तो ये ग्रैवल होकर ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे यार, अपने को फ्रेंड मिला है एंड अब देखते हैं। ओके, ग्रैवल मिल गया, तो ये इसका सिस्टम, ये एक टाइप से ऑटोमेटिक ही है। हाँ, सेमी ऑटोमेटिक, इसको फुल ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। और ग्रैवल से अपने को भर भर के रिसोर्सेज मिलेगा और कबलस्टोन की सोर्स मैंने पहले भी दिखा के रखा है। ओके, तो ये आ गया भाई थर्ड इनगॉट और फाइनली यहाँ पे एक बकेट बन गया भाई। इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है और यहाँ पे मैं एक डायमंड की पिकैक्स बना रहा हूँ। डोंट वरी, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, अभी अपने पास रिसोर्सेज भर भर के आएगा। ओके, तो कबलस्टोन जनरेटर सही से काम कर रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया मत पूछा, मैंने पहला वाला कबलस्टोन जनरेटर बेकार बनाया था, तो ये उसी की नतीजा है। ओके, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इस चीज़ को भी मैं ऑटोमेटिक करने वाला हूँ, आज की वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें होने वाला है। और देखो यहाँ पे मैं भाई सिनेमेटिक जैसे कुछ देख सकता हूँ, क्या बोलते हैं, रिप्ले मॉड्स। ओके, सब कुछ भाई ग्लिच है, ग्लिच ही मॉड्स है। ओके, तो यहाँ पे भाई जल्दी से मैं ग्रैबल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, अभी भाई प्रोग्रेस जल्दी जल्दी होने वाला है। इसको मैंने इतनी खतरनाक तरीके से डिज़ाइन किया हूँ ना, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ओके, तो ये है भाई ऑटोमेटिकली ब्लॉक ब्रेकर, ये नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ता है, ये थोड़ा अलग है, बाकी बेटर है। देखो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया है, अब ये आराम से कबलस्टोन जनरेटर से कबलस्टोन जनरेट करेगा, भाई तोड़ने वाला है और अपने को मिल जाएगा। हो गया है ना पूरी तरह से ऑटोमेटिक। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे होपर वोपर भी लगा सकता हूँ, अभी के लिए तो भाई उतना आयरन नहीं है अपने पास, बट इसके मदद से आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के एप के करके आपके साथ मिलता हूँ, तो देखते हैं कितना आ जाता है अपने पास। और राइट गाइस, तो मेरे पास काफ़ी सारा भाई आ चुका है भाई ग्रैवल, और के ये दो ब्लॉक अगर मैं फेंक देता और भी आता, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारे डिस्पॉन भी हो चुका है। ओके, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। और मैं यहाँ से ऐसे ग्रैवल निकाल सकता हूँ आराम से भाई। ओके, एक और आइडिया है मेरे माइंड पे, मैं इसको भी तो फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकता हूँ भाई साहब। मैं इस ब्रिज को कितने देर तक इग्नोर किए जा रहा हूँ, पहला बंदा हूँ जो लड़के को इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, कोई नहीं, तो यहाँ से भाई डायरेक्टली भाई कबलस्टोन जनरेटर से ग्रैवल जनरेटर बन रहा है, बट इसमें एक दिक्कत हो रहा है कि ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ये कबलस्टोन भी तोड़ रहा है, तो इसे हटाओ। ओप्स भाई साहब, ओके नहीं हटा, सही है, आई मीन नीचे वाला जनरेटर नहीं टूटा।
ठीक है, इससे भी मैं ग्रैबल ले सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा लैगी हो सकता है क्योंकि ये जीरो टिक पे काम करता है। ओके, और फाइनली ये बीच भी गया, पता नहीं कैसे ऊपर आ गया था। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे, ओ हाँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉपर ओर के ब्लॉक को स्मेल कर सकता हूँ, ये है ना काफ़ी ओपी। सो अब आ चुका है अपने पास कोल जनरेटर, तो फ्यूल की कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने सारे जनरेटर हो जाएगा तो भाई इसका कोई यूज भी करना पड़ेगा अपने को। ओके, तो इसका सिंपल है भाई, और इसको मैं कर दिया हूँ मैनुअल से ऑटोमेटिक। अभी टूटेगा, ओके टूट गया, तो ये काफ़ी स्लो होगा एंड बढ़िया है। अपने को यहाँ भाई लॉक लैग का कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, मैं गलत बोल गया, और इससे ना मुझे एक्सपी भी मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है भाई। देख सकते हो ऑटोमेटिकली अपने पास एक्सपी फार्म भी बन चुका है, और अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ कॉपर फार्म। वैसे ये कॉपर जनरेटर की ज़रूरत नहीं था, बाकी देखते भाई सारे और जनरेटर तो लग रहा है, ये भी लगा देता हूँ। ओके, ऑटोमेटिक थोड़ा सा महंगा पड़ गया है, मैनुअली रहते हैं, और कितना सेटिस्फाइंग है इसको यूज़ करना। ओके, तो ये आ गया अपने पास फाइनली आयरन, और ये आ गया आयरन के ब्लॉक, और फाइनली आ गया आयरन जनरेटर। लो, ये भी हो गया ऑटोमेटिक। ओके, तो अब मुझे डायमंड की ज़रूरत है, तो आ गया डायमंड जनरेटर। इसकी मदद से मैं सारे ऑटोमेटिक्स कर सकता हूँ, मैं एक ही ऑटोमेटिक को हर जगह पर लगाया जा रहा हूँ। चलो ये लास्ट टाइम होगा, अभी सभी जनरेटर के लिए अलग से भाई ब्लॉक ब्रेकर लग जाएगा, तो इसको भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके भाई, इंस्टेंटली हो गया। और हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे भाई आयरन ओर को ऐसे मैं कंबाइन कर दूँगा, तो ये आ जाएगा ब्लॉक ऑफ आयरन ओर। तो ये ब्लॉक ऑफ आयरन ओर को भाई स्मेल करके हम लोग आयरन ब्लॉक बना सकते हैं। और अब आ चुका है भाई स्टोरेज की दिक्कत, तो चलो स्टोरेज के लिए मैं ये बना लेता हूँ डायमंड चेस्ट। मैंने पहले से भाई ये चीज़ें मैंने बना के रखा था, आई मीन ये वाले मॉड। चलो ये आ गया भाई बैकपैक। ओके, तो पहले भाई बैकपैक को चेस्ट से टेम करना पड़ता है, एंड इसको भाई देखो इसके पास ऑलमोस्ट मेरे जितना ही स्पेस है, एक प्लेयर जितना इसके पास इन्वेंट्री है, तो इसमें भाई सामान हम लोग रख सकते हैं। और ओके, तो यहाँ पे मैं कॉम्प्रेस स्टोन को स्मेल कर रहा हूँ, तो अपने को मिल जाएगा कॉम्प्रेस स्टोन, आई मीन कॉम्प्रेस कबल स्टोन को स्मेल करके कॉम्प्रेस स्टोन, और इसे तोड़ने से स्टोन मिल जाएगा। और यह आ गया एक मैग्नेट, तो आप इस मैग्नेट को यूज़ करके भाई जो भी सारे सामान है मैं इसमें भाई टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। बस मुझे देखना है ये सामान को किस डायरेक्शन पे ले जा रहा है। ओके, इस डायरेक्शन पे, तो एक काम कर सकता हूँ, मैं मैग्नेट को इसके साइड पे लगा देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। पहले भाई यहाँ पे ये लगाना है अपने को एक टेम्पररी ब्लॉक, क्योंकि ये सामने वाले डायरेक्शन पे दे रहा है, तो इसको ऐसे रखना है। तो देखो अब इसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम जगह पे है जहाँ पे ये सारी चीज़ें टेलीपोर्ट कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पे हटाना है और एक होपर लगा देना है। चलो ये हो गया, होपर लग गया, और हम लोग यहाँ पे चेस्ट पे डायरेक्ट होपर नहीं लगा सकते, तो इसके लिए भाई अपने को भाई चेस्ट को ऐसे करना पड़ेगा, पहले टेम्पररी ब्लॉक लगाओ, होपर कनेक्ट करो, फिर जाके इन चेस्ट को लगाओ उनके जगह। और भाई इसमें कुछ दिक्कत है, ये चेस्ट हिल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे ग्लास लगा दिया, अब ये हिलने नहीं वाला भाई, इसको मैं बाद में अपडेट कर दूँगा क्योंकि इसकी अपडेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और राइट गाइस, तो हर एक चीज़ के ऊपर मैं ये ऑटो ब्लॉक ब्रेकिंग लगा रहा हूँ, ब्लॉक ब्रेकर ब्रेकिंग क्या, तो इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें भाई ऑटोमेटिकली ब्रेक होने वाला है और अपने पास कलेक्ट होने वाला है। तो देखो अब भाई रिसोर्सेज कलेक्ट करना इसका काम है, इवेंट जनरेट करना, तो यहाँ पे कलेक्टर बन चुका है। ओके, मुझे कुछ इन्फिनाइट स्टोरेज जैसा लगाना पड़ेगा ताकि ये स्पैम होने वाले जो रिसोर्सेज है ये सभी वहाँ पे चले जाएंगे, वो मैं बाद में देख लूँगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं थोड़े बहुत डायमंड की चीज़ें बना लेता हूँ भाई साहब। ओके, तो अपने पास भाई आ चुका डायमंड की चीज़ें, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। और हाँ, अभी भी अगर मैं बॉस के साथ लड़ने जाऊँगा वो बस मुझे दो हिट पे मार देगा, तो इतना समझ लो कि यहाँ के बॉस कितना ज़्यादा पावरफुल है, और ये वॉरेन से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और भाई मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एप के कर रहा था, तो मुझे काफ़ी सारा भाई अपने को रॉ कबलस्टोन, या रॉ कबलस्टोन नहीं कॉपर, तो कॉपर वाले रॉ ओर मिला है। एंड अब मैं सोच रहा हूँ इन सभी को कंबाइन करके आई मीन एक ब्लॉक बना दूंगा ओर की, कॉपर रॉक कॉपर की एक ब्लॉक बनाऊंगा, तो उससे मैं बिल्ड्स कर पाऊंगा। ये कॉपर को हम लोग बिल्ड्स पे यूज़ कर सकते हैं, और अपने पास फूड की भी काफ़ी कमी हो रहा है, तो एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फूड कलेक्ट कर लेता हूँ, तो इन्हीं फूड्स को मैं थोड़ा सा अपडेट करने वाला हूँ। देखो मेरे पास गोल्ड जनरेटर भी है, तो मैं यहाँ से गोल्ड भी लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास गोल्डन कैरेट। इसकी भाई सैचुरेशन काफ़ी ख़तरनाक लेवल पे है, और मैं यहाँ पे भाई ओट से भाई बिल्ड्स कर रहा हूँ, मतलब देख सकते हो भाई अमीरी कितना ख़तरनाक लेवल पे जा चुका है। और इसका जो भाई ये डिज़ाइन है ये ऐसा लग रहा है किसी ओकेशन पे है। ओके, तो टाइम सेविंग के लिए मैं यहाँ पे बिल्डर वॉन्ट्स यूज़ कर सकता हूँ,
इसमें मैं ऐसा सिस्टम डाल दूंगा कि भाई ये वांट्स अपने इन्वेंटरी से ब्लॉक भी लेंगे, तो भाई थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक घर बनाने वाला हूँ जो कि 10x10 ब्लॉक का होगा। एंड अभी सोच रहे हो भाई 10x10 तो काफ़ी छोटा होगा, नहीं भाई ये काफ़ी ओपी बन जाएगा, मेरा छोटा सा ही हाउस है। ओके, तो मैंने हाउस को बना रहे एकदम सेंटर पे, इसके पे सामने की ओर होने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाला है। ओके, इसको मैं स्क्वायर पे करने वाला हूँ। हाँ भाई, मैं थोड़ा बहुत स्क्वायर वाले बिल्ड्स बना रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू सर्कल। इसमें भाई सर्कल का कोई काम ही नहीं मैंने किया नहीं, और भाई एक्सपी क्या खतरनाक लेवल पे एक्सपी मिल रहा है, वहाँ पे डायमंड ओर से मिल रहा है और यहाँ से कोल्ड से, बढ़िया भाई काम हो गया अपना। एक्सपी फार्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चेस्ट यहाँ पे क्यों टेलीपोर्ट हो गया भाई, इसका भी अलग से दिक्कत है। ओके, इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज है तो इसे मैं ऐसे तोड़ से नहीं सकता। ओके, उसे मैं बाद में देख लूँगा। तो यहाँ पे भाई मैंने सैंड सिस्टम भी डाल दिया है। देखो अब मैं यहाँ पे ग्रैबल का रखूँगा तो मुझे सैंड मिल जाएगा, कबलस्टोन से ग्रैबल और ग्रैबल से सैंड। और राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे अपना घर भी बना लिया है एंड देखो कितना सही दिख रहा है। वैसे आने वाले टाइम पे ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, तो एक और चीज़ बना लेता हूँ, एमरल्ड जनरेटर। एमरल्ड जनरेटर जब आ चुका है तो विलेजर की भी दिक्कत करना होगा, जरूर जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, विलेजर मैं वनीला तरीके से ही लाने वाला हूँ, या फिर कुछ एडवेंचर होगा अगले एपिसोड पे देखा जाएगा। ओके, अभी के लिए तो मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने इसमें बना दिया है, चाहे कोडिंग का हो या फिर प्रोग्रेस की। और आपके पास भाई काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आ चुका है, मुझे लग रहा है भाई सिंपल स्टोरेज पे मुझे इन्फिनाइट कुछ लाना पड़ेगा तभी भाई काम होगा। ओके, उसका मैं बाद में देखूँगा। राइट, तो ये भी भाई थोड़ा बहुत खाली हो रहा है। तो आज हमने भाई सारे रिसोर्सेज जनरेटर बना लिया है और एक तरह से भाई हम लोग यहाँ पे रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। वैसे मैं अकेला ही खेल रहा हूँ, तो अगर आपको ये मॉड खेलना है तो आप जाके मेरी मॉड डाउनलोड वाले चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे ये रेडी हो जाएगा मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी इस पर भाई काफ़ी सारा काम चल रहा है, तो आज की वीडियो पे ख़त्म होता है। उम्मीद आपको पसंद आएगा, पसंद आ गया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड 200 लाइक्स डोंट फॉरगेट। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।